हमारी ब्लॉक मीटिंग थी, अमीरा कदर ब्लॉक की मीटिंग थी और आज यहाँ पे हमने बॉडी फॉर्म की है अमीरा कदर की। और अमीरा कदर में जो पीछे से एक्सप्लॉयटेशन जो पिछली रजीम्स में हुई हैं उनको एड्रेस किया गया है और लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया है और बहुत से लोगों को, नई डेलीगेशंस को हमने अटेंड किया आज, जो कि बहुत से डेवलपमेंट के इश्यूज़ लेकर आए थे, तो उस बारे में ये मीटिंग हमने आज रखी थी। बड़ी फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज करी थी, क्या आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयारी थी? बिल्कुल, वो उसी के लिए तो हमने बॉडी भी फॉर्म की, कमेटीज बना रहे हैं, तो ये तो प्रिपरेशन सारी असेंबली इलेक्शंस के लिए ही हो रही है। आज इलेक्शंस, आज अभी ये वोटिंग हो रही है लद्दाख में भी, पुलवामा में, शुपियान में, क्या लगता है आपको कांग्रेस अभी टैकल कर पाएगी जो कंपटीशन अभी हो रहा है यहाँ पर? देखिए, जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं, इनकी बेहद कोशिश के बाद भी, रीजनल पार्टीज़ की, पीडीपी, एनसी की बहुत सी कोशिश के बाद भी, धोखों के बाद भी, अभी भी कांग्रेस लीडिंग ही आ रही है, हर जगह लीड कर रही है। बाकी जहाँ तक हमारा साउथ कश्मीर का है तो इंशाल्लाह वो सीट हमारी है। लद्दाख के बारे में आपने बताया नहीं, क्योंकि बताया जाता है कि वहाँ पर पीडीपी और एनसी जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस को बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, ये तो सिंपली उनने अपने इंटेंशंस बता दिए हैं, पीडीपी ने भी और एनसी ने भी, वो पीछे भी भाजपा के अलाइंस रहे हैं और इस टाइम उनने दोबारा एक बार प्रूव कर दिया कि उनके फ्यूचर इंटेंशंस क्या हैं। दोबारा वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा उनकी नीयतों का एक और दफ़ा खुलासा और अनमास्क हो चुके हैं वो लोग। तो आपको लगता है कि ये बिट्रे किया जाता है लोगों के साथ, अभी जो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया जाता है लद्दाख में, दूसरा और बाहर जो है तीसरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है? देखिए, मैं आपको सिंपली एक चीज़ बता दूँ कि दिन ब दिन इनके मुँह से जो ये इनने झूठे नकाब सेकुलरिज्म के लगा रखे हैं वो सामने आ रहे हैं, वो खुल रहे हैं, वो उतर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का एजेंडा ही ये है, दे आर पावर हंग्रीज, बस ऑल दे आर आफ्टर इज पावर। इनको सिर्फ ताकत चाहिए, पावर चाहिए। डेवलपमेंट की बात किसी इनने कहीं नहीं की, इनने एम्प्लॉयमेंट की बात कहीं नहीं की, इनने ट्रेडर्स की प्रॉब्लम्स की बात कहीं नहीं की, इनने केसीए लोन्स माफ़ करने की बात कहीं नहीं की, सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि महबूबा जी ने ये किया, उमर साहब बोल रहे हैं महबूबा जी ने ये किया, और महबूबा जी बोल रही है उमर साहब ने ये किया। तो ये इनकी ये वो कैट एंड रैट फाइट चलती रही है, तो दिस इज़ वेरी कॉमन नाउ और लोग अंडरस्टैंड करते हैं, नोबडी इज़ टेकिंग देम सीरियस नाउ। थैंक यू।